फ्रेंड्स वेलकम बैक वीडियो है अमृतपाल सिंह इज अ पपेट दीज पीपल आर मैनुपुलेटिंग पता ही और दीज पीपल भी कौन है वो भी क्लियर हो ही गया है हमें तो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब किया आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर चलिए शुरू करते हैं खालिस्तानीज आर अनेस्क्यूल माइनॉरिटी दे आर पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट ऑफ दिक्स ठीक है और ये बात मैं दावे के साथ में गारंटी के साथ कह रहा हूं या तो ये स्टोरी है।, है कि तुम भाग रहे हो और तुम्हें अंदर से मदद है क्योंकि इस तरीके से होमृतपाल कोंजाब पुलिस इन दी एंड पंजाब पुलिस रिपोर्ट्स टू पॉलिटिशियंस सो डोवाल साहब ने चीनियों को आंखों में आंखें डाल के साफ बोल दिया है चीनियों को प्यार मोहब्बत की बात करूं तो ठीक दोस्तों मैं में जो गौरवारी और आप देखें देखें दे के रहे इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेलाइकन दबाना भूलिएगा अच्छा दोस्तों एक नया वीडियो निकला नहीं, है अमृतपाल सिंह का आप सब लोगों ने कल गई रात को आप लोगों ने देखा होगा मीडिया पे काफी इसके ऊपर डिस्कशन हुआ मैं भी एक डिबेट में था रिपब्लिक में अर्नब के साथ अच्छा वहां से कुछ बातें हुई मेरे दिमाग में एक दो चीजें क्लिक हुई मैं आपके साथ आज वो शेयर करूंगा दोस्तों और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप सुनते रहिएगा लेकिन इसके पहले मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं जितने भी हमारे सिख भाई बहन है और हिंदू भाई बहन है दोनों को एक वार्निंग देना चाहता हूं अमृतपाल सिंह इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा अमृतपाल सिंह को भेजा गया है यहां पे क्रेश करने के लिए अमृतपाल सिंह किस तरीके से भारत में लाया गया किसकी छत्रछाया में काम कर रहा है ये कैसे ये अभी तक पुलिस के दायरे से बचता चला आया है और खुला घूम रहा है कभी यहां की फोटो कभी यहां का सीसीटीवी तो, ऐसा किस तरीके से हो सकता है तो ये पूछ इट्स नॉट पॉसिबल कि खुले में बंदा घूम रहा है वहां पे कैन में पता नहीं बियर एर सॉफ्ट ड्रिंक क्या पी रहा है ऐश अशी काट रहा है कभी गाड़ी में कभी इनोवा में कभी मोटरसाइकिल में लेकिन इसको कोई पकड़ नहीं पा रहा है इसके पीछे कारण क्या है लेकिन इसके पहले वार्निंग जो मैंने बोली थी हिंदू भाई बहन और सिख भाई बहन ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं देखिए ऐसा है ये जो खालिस्तानी है ना खालिस्तानी ये पागल है ठीक इनका ज्यादा दिमाग नहीं है ये सिर्फ ये चाहते हैं कि भारतीय पंजाब में सिखों और हिंदुओं के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए इसीलिए ये बाहर एम्बेसीज के साथ ऐसे यू नो ये, ये, ये कार्रवाई कर रहे हैं कि एंबेसी में जाके कुछ हो गया हाई कमीशन में जाके कुछ कर दिया तोड़फोड़ कर दी झंडे के साथ गलत कर दिया उसको नीचे उतार दिया मैं तिरंगे की बात कर रहा हूं और ऐसी सब चीजें ये लोग कर रहे हैं कभी मंदिरों में स्प्रे पेंट कर दिया शीशे तोड़ दिया ये क्या चाह रहे हैं सिर्फ भारतीय पंजाब में नहीं दोस्तों ये चाह रहे हैं कि बेंगलोर चेन्नई नागालैंड कहीं पे भी भारत में 140 करोड़ लोग हैं इनका ये है कि हम प्रेशर डालते रहेंगे प्रेशर डालते रहेंगे कुछ ना कुछ करते रहेंगे कोई तो है जो रिएक्ट करेगा यार कोई तो है जो रिएक्ट करेगा कोई तो होगा जो कहेगा नहीं यार बहुत हो गया अब चलो बड़ा मजा आएगा चलो इनको एक सबक सिखाते हैं कोई तो ऐसा होगा आपको ऐसा नहीं करना है आपको ये पागल खालिस्तानियों के बहकावे में नहीं आना है दोस्तों ये चाय यही रहे हैं ये चाय यही रहे हैं और इनके मोटे मोटे जो इनके गाल है ना खाते पीते गाल उन पे चमाटा और एक तमाचा यही होगा कि आप कुछ ना करें इनका खून जल रहा है अंदर से मैं बता रहा हूं आपको इनका खून जल रहा है खून उबाले मार रहा है क्या कर रहे हैं क्यों नहीं हो रहा क्यों वहां पे पंजाब में या हिंदुस्तान में किसी भी एरिया में हिंदू और सिखों की लड़ाई क्यों नहीं दोस्तों एक बात बताऊंगा आपको मैं फिर बता रहा हूं खासतौर से हिंदू भाई बहनों को एक बात ध्यान रखना ये सोशल मीडिया पे जितने भी जहर फैलते हैं ना ठीक है दोनों तरफ की बात कर रहा हूं यह बंद करो यह लड़ाने की साजिश है इस साज... मैं बार बार आपको वॉर्न कर रहा हूं कभी यह पागल है खालिस्तानी इनके चक्करों में खालिस्तानी आर पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट ऑफ द सिक्स ठीक है और यह बात मैं दावे के साथ में गारंटी के साथ कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं कह रहा हूं सिख भी इनको पसंद नहीं करते लेकिन सिखों का आज की तारीख में आज की तारीख में माइंडसेट है यार सवेरे जाना है काम पे मां बाप को देखना है बीवी बच्चों को पालना है इन पागलों के झंझट में कौन पड़ेगा ठीक है लेकिन वो भी दिन याद करिए आप नाइनटीन का जब सिखों ने ही इन खालिस्तानियों को मार मार के ना इनका भूसा भर दिया था वो सिखों ने इनकी इनका हलवा बनाया था खालिस्तानियों का तो दोस्तों कभी इस चक्कर में मत फंसना आपको मैं बार बार यही बात कह रहा हूं और एक खास तौर से हिंदुओं के लिए है ठीक है हिंदुओं के लिए है आपको गुरुद्वारा साहब को उतनी ही इज्जत देनी है जितना आप मंदिर को देते हो हम तो हमेशा आपको गुरु ग्रंथ साहब को हम उतनी ही इज्जत दे... देनी है जितनी ने... आप भगवत गीता रामायण को देते हो ये तो ठीक है और आपको किसी भी सिख भाई बहन को उतना ही प्यार करना है जितने आप खुद घर के अपने भाई बहन जो आपके सगे भाई बहन है

अपने आप को पुलिस के सौंप देता मैं कोई डरता ना अब तू सबसे बड़ा बुजदेला अमृतपाल चूहे का बच्चा है तू तो चूहे का बच्चा है ठीक है ये भागा भागा फिर रहा है कुत्ते की तरह हर जगह और हमसे कह रहा मैं तो डरता ही नहीं मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ठीक है इसीलिए वेशभूषा अपनी कटे हुए बाल अपने ठीक है ना कभी बिना पक के अरे शेर का बच्चा होता सामने बोल पंजाब पुलिस को ले सारी मीडिया को बुलाते दुनिया भर की इंटरनेशनल मीडिया डोमेस्टिक मीडिया जो इंडिया की है नेशनल मीडिया सबको बुलाते वहां पर कि इतने बजे अमृतपाल सिंह सरेंडर करेगा सबके सामने बोलते पंजाब पुलिस को लो। क्यों भाग रहे हो या तो बॉस तुम्हें ऑलरेडी पकड़ के अंदर कर रखा पंजाब पुलिस ने या तो यह स्टोरी है या स्टोरी है कि तुम भाग रहे हो और तुम्हें अंदर से मदद है क्योंकि इस तरीके से हो ही नहीं सकता यार मैं मानने को तैयार नहीं ऐसा हो जाए आई एम नॉट विलिंग टू बिलीव दिस कि ये दुनिया भर में कभी ये दिल्ली से फोटोग्राफ आ गई कभी यहां से फोटोग्राफ आ गई कभी ये उत्तराखंड चला गया कभी यहां चला गया कभी वहां चला गया या तो इसको पुलिस ले जा रही है दायरा इसकी फोटो खिंचवा रही है।, है या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कराया बंदा किसी ना किसी का तो एसेट है यार ये या अमृतपाल सिंह किसी ना किसी का तो एसेट है देखो आम आदमी पार्टी आती है साल से कम हुआ है आम आदमी पार्टी को साल से कम आम आदमी पार्टी पावर में आती है कहां पंजाब में अच्छी बात है सारे पंजाबी सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भी हैं सब लोग कहते हैं कि जी भगवंत मान जी हमारे सीएम बनेंगे और इनके एजेंडा पे हम लोग चलेंगे बढ़िया बात है ये पंजाबियों का हक है वो जिसको मन चाहे वोट दें वो कांग्रेस को वोट दें बीजेपी को दें आम आदमी को दें ये ममता दीदी की पार्टी को दें उनकी मर्जी उनकी मर्जी और हमें इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मैं भी रिस्पेक्ट करता हूं अब एक बात बताओ अमृतपाल सिंह यह पैदा कहां से हो गया यार अमृतपाल सिंह पैदा किस तरीके से हो गया ये बंदा छह महीने पहले क्या दुबई से ट्रक ड्राइवर अचानक जो बंदा ट्रक चला रहा था जो दिहाड़ी की नौकरी कर रहा था वो मर्सिडीज की एसयूवी के काफिले में जा रहा है बीस बीस पच्चीस पच्चीस गाड़ियां चल रही कोर गाड़ियां पांच है इसकी। जो कोर है अंदर का कोर और आगे पीछे इनोवा और दुनिया भर की गाड़ियां इसके आगे पीछे चल रही है हथियार बंद बॉडी गार्ड के साथ ये बंदा चल रहा है वो तो इसको गुरुद्वारा साहब के अंदर एंट्री किसने दिला दी किसी ने दिला दी होगी ना गुरुद्वारा साहब के अंदर एंट्री इसको गुरुद्वारा साहब के अंदर इसको एंट्री दिला दी और एक नेगरटिव बिल्डअप करा गया ठीक है अमेरिका में वो टाइम स्क्वायर पता नहीं कहां कहां उसका वो लगा के अमृतपाल सिंह की फोटो ओ, ये एक सोची समझी साजिश है ठीक है अब तीन चार चीजें हो सकती है अमृतपाल सिंह के साथ तीन चार पैसा था, था स्क्वायर पे उसका लगा रहा रहा। पुलिस इसको ठोक देती है पैसे दे के करते हैं तो। मैं कहता हूं पुलिस को ठोक देती है तो ये बन जाएगा शहीद ये बन जाएगा भिंडरा वाले टू पॉइंट ओ ठीक है फिर इसका गांव में इसका जो घर है वो लोग जाके वहां पे मत्थर टेकेंगे लोग बोलेंगे यार बहुत बड़ा शहीद था और ये सिखी के लिए इसने जान दे दी जबकि ऐसा कुछ नहीं है ये आदमी चोर है अमृतपाल सिंह की बात कर रहा हूं हंड्रेड परसेंट चोर है ये।, ये खालिस्तानी है और खालिस्तानी और चोर पर्यायवाची दूसरे की ठीक है ना अब दूसरी चीज पुलिस कहती है हम इसको जेल में डालेंगे अगर इसको जेल में डालते हैं तो एक बात ध्यान रखना फिर यही कांड होगा दोबारा यानी कि जेल के अंदर फिर उस जेल के बाहर लोग खड़े होंगे और अगर पंजाब से बाहर किसी जेल में डालती है फिर कुछ हाईजैकिंग होगी हवाई जहाज हाइजैक होगा कोई बस हाईजैक होगी कोई लोगों को घर में पकड़ लेंगे ये लोग खालिस्तानी और ये बोलेंगे कि साहब आपको कुछ नहीं करना है आप सिर्फ अमृतपाल सिंह को छोड़ दो हम इनको छोड़ देंगे अगर आपने अमृतपाल सिंह को एक मिनट भी रखा हम ये पंद्रह बीस लोगों को मार देंगे ये चीज होगी ये धमाके भी कर सकते हैं ये कुछ भी कर सकते हैं ठीक है तो ये तीसरी चीज आपने अमृतपाल सिंह को खुला छोड़ दिया यानी कि पहला उसका ठोक दिया मैंने उसके आपको नुकसान बता दिया आपने जेल में डाल दिया मैंने उसका नुकसान बताया तीसरा आपने उसको बोला कि तू खुला खुला छोड़ दोगे वो और दोन हो जाएगा वो और मजबूत हो जाएगा वो और जहर फैलाएगा खालिस्तान के बारे में चौथी चीज आपने उसको डिस्क्रेडिट कर दिया आपके पास अमृतपाल सिंह को लेकर ऐसा प्रूफ है आपके पास ऐसा सबूत है कि लोग थू थू करने लग जाए उसके ऊपर ये थोड़ा मुश्किल है इनके पास है कि नहीं मुझे नहीं पता दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि अमृतपाल सिंह का इलाज क्या है अमृतपाल सिंह का इलाज इन चारों में से नहीं है आपको यह जानना है कि वहां पे ऐसा क्या है जो अमृतपाल सिंह जैसे लोग जन्म लेते हैं ठीक है बाहर जो खालिस्तान का चल रहा है वो चलने दीजिए उनमें से खालिस्तानी है उनके 90 परसेंट तो ऐसे लोग हैं जिनके बाप क्रिमिनल थे टेररिस्ट थे यहां वहां जिनके ऊपर केसेस चले ठीक है तो उनके मन में गुस्सा है कि तो क्या हुआ मेरे बाप ने बस को बम से उड़ा दिया तो क्या हुआ खालिस्तानी ऐसा सोचता है तो क्या हुआ कि अगर हमारे बाप ने बस, बस को उड़ा दिया बम से था तो साडा बाप है जी तो उसको उसको सपोर्ट करो अब ये इनको बात समझ में नहीं आती कि भाई अगर तुम्हारा बाप टेररिस्ट था तो ही विल बी विद लाइक अ टेररिस्ट खैर एनीवे anyway, आपको सबसे पहले इसकी जड़ पे जाना है फिर मैं आगे बढ़ूंगा इस वीडियो में आपको इसकी जड़ तक जाना और जड़ क्या है ठीक है जड़ ये है कि जो गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी, पार्टी की गवर्नमेंट हो कल कांग्रेस की आए परसों बीजेपी की आए जिस मर्जी की गवर्नमेंट आए जो मर्जी गवर्नमेंट हो उसको एक चीज रियलाइज करनी है कि यू हैव टू एंगेज विद द पीपल ऑफ पंजाब आप पंजाब के लोगों से बात नहीं कर रहे और यहां पे आप स्पेस दे रहे हो और लोगों को ये फालतू की बकवास करने के लिए ठीक है अमृतपाल सिंह तो मोरा है उसकी क्या औकात है अमृतपाल सिंह तो मोरा है आपको ऐसा क्या लगता है किसने इतना पैसा डाल दिया कि अमृतपाल सिंह के पीछे हजारों लोग चल गए उसकी पूरी सोशल मीडिया की टीम तैयार हो गई पंजाब पुलिस ने उसको सिक्योरिटी दी जहां तक मैंने सुना है टेलीविजन पर पंजाब पुलिस ने उसको सिक्योरिटी दी उसके पास ऐसे लोग थे विदेशी जो आरखे थे जो ऑटोमेटिक वेपन लेके बीच पंजाब में उसको सिक्योरिटी दे रहे थे ये बिना पैसे के होता है ओ भाई ये बिना पैसे के होता है आप बता दो इज इट पॉसिबल विदाउट मनी विदाउट अफ मनी इट्स नॉट पॉसिबल सोची साजिश पाकिस्तान जो इन्वॉल्व है ही दोस्तों को शक नहीं है इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है हंड्रेड परसेंट इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है लेकिन इसके अलावा यहां के भी लोग के भी लोग इन्वॉल्व है मैंने आपको कई बार दो कई बार ये बात करी है कि किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुलते हैं बहुत लोग इन्वॉल्व है भारत का इतिहास है किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं यहां पर कौन लोग हैं ये किसने पाल पोल किसका अमृत पाल है यह तो समझाओ मुझे कोई ये किसका एसेट है अमृतपाल अमृतपाल एसेट है हु डज अमृतपाल रिपोर्ट टू फंडिंग अमृतपाल अमृतपाल की मार्केटिंग कौन कर रहा है राइट right? और अमृतपाल को छुड़वा कौन रहा है पंजाब 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 पुलिस पुलिस इन एंड टू पॉलिटिशियंस के जो डीजीपी साहब हैं उनके बॉस कौन है इट इज भगवंत मान भगवंत मान जी को दुनिया के सामने आना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि मेरी सरकार का खालिस्तानियों के साथ कोई लेना देना नहीं है क्योंकि जब इलेक्शन हुए थे राइट तो इन्हीं के पार्टी के लीडर जाके रहे थे खालिस्तानियों के घर पर Hmm. और ये सॉफ्ट खालिस्तानी सेपरेटिज्म वट एवर दैट वर्ड मीन और दैट फ्रेज ये सॉफ्ट खालिस्तानी जो वो है ये पेडल करते हैं ये अपने वोट्स के लिए अब ये पीछे पड़ गए अमृतपाल के और अमृतपाल को पकड़ नहीं ले क्या ये नूरा कुश्ती चल रही है मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या ये नूरा कुश्ती चल रही है जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू एफ में देखते ना सारा झूठ नकली पैर पटकते हैं जोर से स्टेज पे फिर कुर्सी है जो मारते जो हैं है। ज्यादा जोर से कुर्सी नहीं मारते आपको आवाज सुनते पैर पटकना हाथ पटकना ये सब करना है। क्या यह नूरा कुश्ती चल रही है क्या ये फेंक रही है सब ये सोचना पड़ेगा ये कठपुतली है इसको चला कौन रहा है इसको पॉलिटिशियंस चला रहे हैं पंजाब के इसको पॉलिटिशियस चला रहे हैं भारत के ठीक है और पाकिस्तान तो फायदा उठाएगा और जो खालिस्तानी है खालिस्तानी तो बैल के बच्चे उनको वैसे ही कुछ नहीं पता बुद्धिहीन राइट मैं खालिस्तानी से कहता हूं कि तुम अमृतपाल को अपना बाप मानते हो अमृतपाल ने क्या बोला था अपनी स्पीच में जो उसने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है अमृतपाल ने क्या बोला अमृतपाल ने बोला तुम आ जाओ उधर बोला तुम लोग आओ मैं चाहता हूं खालिस्तानी मेरा तुम्हें चैलेंज है तुम आओ उधर ठीक है तुम आओ उधर तुम भारत आओ और तुम भारत यार तुम एक बात बताओ तुमने खालिस्तान तुम तुम कैनेडा में क्या कर रहे हो नहीं आएंगे ये पता मैं बता रहा हूं ये लोग क्या करेंगे मैक्सिमम ठीक है ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में खालिस्तानी बोलेंगे जो मिसेस मिसिस है ना उसको बोल देंगे दिस इज एक्चुअली मोगा ठीक है

मेरे तो समझ से बाहर था मैं तो हंड्रेड परसेंट थी कि पकड़ लिया होगा तो, पर उसका वैसे ने ने तो उसके बाद जब ये सब आ रही है, है पंजाब मतलब में ही लोग मिले हुए इवन पुलिस भी मिली हुई है और उसको बचा रही है ताकि वो पकड़ाना तो अगर पुलिस अगर पुलिस काम कर रही होती तो ये तो बहुत जल्दी पकड़ा जाना चाहिए पहले भी कहा था कि बीजेपी नहीं है पंजाब में तो अपना ही उनका कोई चक्कर चल रहा है और अल्टीमेटली जैसे पता चल रहा है कि कौन ये सब मूव कर रहा है पैसा कहाँ से आ रहा है कौन मास्टर माइंड है धीरे धीरे प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगी जैसे जैसे मनी की फंडिंग रुकेगी तो से सबका पता है? चल जाना है और अगर वो बाहर जहाँ जहाँ कंट्रीज में कर रहे हैं आई डोंट थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस क्योंकि तुम्हारा कॉज है तुम्हारा कॉज इंडिया में है तुम बाहर जाके कुछ भी करते हो उससे आई डोंट थिंक यू कैन मेक वो ज्यादा चेंज नहीं कर ला सकते वो सिर्फ इंडिया के अंदर जो डिस्टरबेंसेस क्रिएट ये कर बस, रहे हैं उसको सब खत्म करना है ताकि इंडिया में डिस्टर्बेंसेज वाले जो हैं वो सब पकड़े जाएं बाकी उसके बाद सब और ये भी सही था कि वो बहुत ही कम परसेंटेज के लोग हैं जिनमें hmm. प्रॉब्लम्स हैं और कोई भी इंडिया में इनकी वजह से नहीं लड़ेगा बिल्कुल नहीं, नहीं लड़े ही ही इनकी वजह से क्यों लड़े, लड़े जबकि ऐसा लग रहा है कि इनकी वजह से कंट्रीज में रिलेशनशिप थोड़ी खराब hmm. होने लगी है इज वो भी नहीं होनी चाहिए थी पर को अगर कंट्रीज वहां पे अपने वहां एरिया में इनको टैकल नहीं करेगी इस सिचुएशन को ये लोग फिर उस कंट्री में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अगर वो सोच रहे हैं कि भैया हमारी क्या है हमारी तो प्रॉब्लम नहीं है ये इंडिया जाने हम क्यों एक्शन लें दे

हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए